हेलो बच्चों, चलिए आप देखते हैं। ट्वेल्थ का लास्ट चैप्टर ले रहा हूँ मैं, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट का क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड सिंपल है। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब दे हैव डेफिनेट शेप एंड दे आर ट्रू सॉलिड्स, इसको ट्रू सॉलिड्स बोलेंगे। अमॉर्फस सॉलिड दे हैव इरेगुलर शेप, ठीक है ना। दे आर सीओडो सॉलिड्स और सुपर कोल्ड लिक्विड्स बोलते हैं, मतलब ये ऐसे नाम पूछते हैं एमसीक्यूज में, उसके लिए वो दिया है। फिर देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, उसके लिए मैंने बनाया इस पर। आयनिक सॉलिड्स मतलब दे आर मेड अप ऑफ आयन्स एंड कैटायन्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, सिंपल है ये भी। फिर मॉलिकुलर सॉलिड्स दे आर मेड अप ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर बाय वीक डायपोल डायपोल और वैंडरवॉल फोर्सेस। ये आपके फोर्सेस के नाम याद रखना इसके अंदर, क्या किससे बना है, बाकी कुछ है नहीं इसके अंदर। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, अब देखते हैं। मॉलिकुलर सॉलिड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स होते हैं मॉलिकुलर सॉलिड्स। तो उसमें पोलर मॉलिक्यूल्स जिसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसमें होगा वीक डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस होंगे, और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा या फिर डायपोल डायपोल फोर्सेस बोलते हैं उसी को। अच्छा, कोवलेंट सॉलिड्स, इन दी सॉलिड्स एटम्स आर हेल्ड बाई कोवलेंट बॉन्ड्स, उसके एग्जाम्पल डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरिन। डायमंड में जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3, ग्रेफाइट में जो कार्बन उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2, फ्लोरिन जो कार्बन उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2, ठीक है ना। और थोड़ा सा रीडिंग कर लीजिए इसका। अच्छा, मेटेलिक सॉलिड्स देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मेटल आइटम जिसको कर्नेल बोलते हैं या कोर बोलते हैं, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं सेवन क्रिस्टल सिस्टम, मतलब वो ब्रेवियस लाइटिस देखना आपको। तो उसके एक टेबल बनी हुई आपके आपके इसमें टेक्स्ट बुक में टेबल, वो टेबल देख लीजिए, वो टेबल लर्न करना है, ठीक है। टेबल देखिए, इसको मैं ड्रॉ नहीं करता क्योंकि वही जो टेबल है वो मैं भी ड्रॉ करूँ तो मेरा उतना टाइम जाता है टेबल ड्रॉ करना, बता तो वही है। तो आप उसमें डायरेक्ट वो टेबल देख लीजिए, टेबल में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं पैकिंग इन सॉलिड्स, इन सिंपल यूनिट सेल ऑक्यूपाइड इज कितना है 52.4% एंड वॉइड स्पेस जो होता है उसमें जो वैकेंट वो कितना है 47.6%। इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में ऑक्यूपाइड स्पेस इज अबाउट 68% एंड वॉइड स्पेस कितना है 32%। इन फेस सेंटर क्यूबिक सेल ऑक्यूपाइड स्पेस इज 74% एंड वॉइड स्पेस इज 26%। अब डेंसिटी का फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ पर आपको सबको याद ही होगा, बोर्ड में किया है। डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है ना, रो इक्वल्स टू, मतलब इसको डेंसिटी बोलते हैं हम लोग, इक्वल्स टू एम इंटू एन अपॉन ए क्यू इंटू एन ए। रो मतलब डेंसिटी, एम मतलब मोलर मास या फिर एटॉमिक मास भी हो सकता है, नंबर एन मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ए मतलब एज लेंथ और एन ए मतलब एवोगाड्रो नंबर, सबको याद है 6.22 × 10⁻²³ पार्टिकल्स, ठीक है। कर लीजिए नोट डाउन इसको। ओके, अब देखते हैं पैकिंग इन वॉइड्स ऑफ आयोनिक सॉलिड्स, इसकी टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी क्योंकि उससे आपका कॉर्ड अगर वैल्यू अगर आंसर आता है इसके, मतलब जैसे मान लो कि लिमिटिंग वैल्यू आपका रेडियस ऑफ कैटायन रेडियस ऑफ अनायन, इनका रेशियो अगर इतना आता है 1.55 मतलब 0.155 टू 0.225 के बीच में आया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन होगा 3 और उसका टाइप ऑफ होल ऑक्यूपाइड होगा प्लेनर ट्राइंगुलर और उसका एग्जाम्पल B2O3। अगर आपकी वैल्यू आती है 0.225 टू 0.414 के बीच में आती है तो आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन होगा वो 4 और उसका शेप होगा टेट्राहेड्रल और एग्जांपल जिंक सल्फाइड का देगा ऐसा। तो वो एग्जांपल याद कीजिए, उसके अटिक दूसरा भी डाला तो आना चाहिए आपको। फिर देखो, अभी वैल्यू आती है 0.414 टू 0.732 के बीच में आती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन होगा 6 और ऑक्टाहेड्रल होगा आपका टाइप ऑफ होल ऑक्यूपाइड और उसका एग्जाम्पल NaCl। अगर आपका मोर देन 0.732 के से ज़्यादा है वैल्यू तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायंस 8 होगा और टाइप ऑफ होल ऑक्यूपाइड होगा क्यूबिक और एग्जांपल होगा सीजियम क्लोराइड। अब जैसे टेट्राहेड्रल में रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन का रेशियो इतना आ रहा है, देखो 0.225 और ऑक्टाहेड्रल देखो रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ अनायन का कितना है 0.414। कर लीजिए नोट डाउन। अब देखते हैं, अब मैंने सबका एक कॉमन टेबल बनाई है सबके लिए, मतलब रिलेशन बिटवीन डी एंड ए,
यूनिट सेल लिखा है, यहाँ पे रिलेशन में डी एंड ए के बीच में, आर और ए के बीच में, और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल के बीच में, ठीक है ना। तो देखते हैं पहले सिंपल क्यूब में, इसका डी इक्वल्स टू ए होना चाहिए रिलेशन, और रिलेशन बिटवीन आर एंड ए में देखेंगे सिंपल क्यूब का आर इक्वल्स टू ए अपॉन टू, और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होगा 1। अब बॉडी सेंटर देखेंगे तो डी इक्वल्स टू होगा आपका अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू ए, इसकी वैल्यू आती है 0.866 ए। आर इक्वल्स टू होता है अंडर रूट 3 अपॉन 4 इंटू ए, इसका जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है 2। फिर देखिए फेस सेंटर में देखेंगे तो डी इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू ए, इक्वल्स टू होगा इसका वैल्यू 0.707 ए, ठीक है ना। इसको नीचे लिख देते हैं 0.07 ए, ठीक है ना। उसके बाद में फिर आर इक्वल्स होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 इंटू ए, और उसका जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है 4। सबका ऑल इन वन कर दिया है, इसको याद कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो दो टाइप के डिफेक्ट होते हैं, लाइन डिफेक्ट एंड पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट मतलब इसमें लाइन कंप्लीट लाइन में या रो में क्या होता है, इरेगुलरिटी आ जाती है, उसको हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। और पॉइंट डिफेक्ट मतलब ड्यू टू इरेगुलरिटी अराउंड पॉइंट और एन आइटम इन अ सॉलिड, एटम में या फिर उसके कोई पॉइंट में डिफेक्ट है उसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। और पॉइंट डिफेक्ट को हम क्लासीफाई करते हैं 3 टाइप्स में, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट नाम से मालूम चल रहा है, वैकेंसी, इफ सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वैकेंट द लैटिस इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है ना, वैकेंसी हुई लैटिस साइड में। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इफ सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन्स एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइट बिटवीन द लैटिस पॉइंट द क्रिस्टल इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और इम्प्योरिटी डिफेक्ट मतलब इफ अ रेगुलर कैटायन ऑफ क्रिस्टल इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर कैटायन द इम्प्योरिटी डिफेक्ट ऑकर्स, ठीक है। अब इसके देखेंगे दो टाइप, स्टॉकी और फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं स्टॉकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके, तो स्टॉकी डिफेक्ट में क्या होता है, कैटाइंस एंड एनायंस आर मिसिंग इक्वली, दोनों बराबर मिसिंग होते हैं इसके अंदर, और इसमें क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज होगी। एंड इट इज़ फाउंड इन आयनिक कंपाउंड्स, फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, CgM क्लोराइड, सिलोरोमाइड, ऐसा कर सकते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, आयंस मतलब कैटाइंस मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट्स ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट एंड नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी, मतलब डेंसिटी डिक्रीज नहीं होगी। एंड फ्रैंकल डिफेक्ट इज मोस्टली अपीयर्स इन कंपाउंड्स इन विच द नेगेटिव आयंस आर मच लार्जर दैन पॉजिटिव आयंस, उसी में होगा, नेगेटिव आयंस ज़्यादा बड़े होंगे किससे, पॉजिटिव आयंस से। अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इसमें कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स और इंसुलेटर देखते हैं। तो कंडक्टर्स मतलब वैलेंस बैंड इज पार्शली फिल्ड एंड इट ओवरलैप्स विथ हायर एनर्जी अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड, शॉर्ट शॉर्ट में लिखा है। सेमी कंडक्टर स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन। ओके, आप देखते हैं थर्ड, इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर में क्या होता है कि लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्टर बैंड्स, इसमें ज़्यादा एनर्जी गैप होता है इसलिए वो इंसुलेटर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाते। सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो ये आपको फिजिक्स में पूरा काफ़ी डिटेल है, आपको पी टाइप का सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर पूरा मालूम है, मैं यहाँ शॉर्ट पर लिख रहा हूँ। पी टाइप सेमीकंडक्टर इसमें होता है बाय डॉपिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज, मिक्स क्या करें, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज। फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर इसमें हम बाय डॉपिंग इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसमें इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी हो गया। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखते हैं, सबसे पहले डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली रिपल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एग्जांपल NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, वाटर, बेंजीन, ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं सेकंड, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एग्जांपल इसका टिटेनियम ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक आयन, फेरिक आयन, क्रोमियम आयन, ऑक्सीजन। अब फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड परमानेंट मैग्नेटिज्म होगा उसके अंदर, क्योंकि इसमें सारा अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन होता है सारा, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है। और इसके एग्जांपल आयन, निकल, कोबाल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है सॉलिड स्टेट, आपका 12th के पूरे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों बुक के, ठीक है, आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है।